बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम क्लास 12 के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर थ्री प्रॉब्लम है, थ्री पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट लगाने से पहले हम बता दें कि जो ट्रांसपोज होता है इसको यूजुअली ए डैश से या फिर ए टी से डिनोट करते हैं, ए टी से, ए डैश या ए टी से। ये किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, मैट्रिक्स ए को ही हो उसका ट्रांसपोज को इससे डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू अगर हम फर्स्ट पार्ट लगाते हैं तो इसको अगर हम ए लिखते हैं तो इसका ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स हमको गिविन है 5 1/2 1, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। देखिए रो तो यहाँ पर तीन है, कॉलम एक ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इस कॉलम मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज यानी ए टी फाइंड करना चाहते हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये रो और या रो को कॉलम में बदल देंगे या जो कॉलम है उसको रो में लिख देंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो जो हमारा फर्स्ट रो था वो फर्स्ट हमारा कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। यानी जो हमारा यहाँ पर कॉलम था उसे रो में कन्वर्ट करते ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहाँ पर आ गई, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बदल गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बदल गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। ये हमारी फर्स्ट के प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। ऐसे ही हम सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए गिविन है हमको 1 - 1 2 3 है, तो इसमें इसका ट्रांसपोज यानी ए टी जब फाइंड करेंगे तो इसको में भी यही करना है, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 - 1 है तो इसे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बना देंगे, इसे सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं 2 3 उसे सेकंड रो के कॉलम बना देंगे। थर्ड पार्ट को देखना है, थर्ड पार्ट के ए जो मैट्रिक्स मैंने दे रखी है इसको हमने ए से डिनोट कर दिया है, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज ए डैश या ए टी बोलें ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए ये करना है कि जो फर्स्ट वाला रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 - 5 6, और जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम बना देंगे 3 5 6, और जो थर्ड रो है उसे थर्ड कॉलम बना देंगे जो कि 2 3 - 1 है। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।